नागपुर के सीतापट्टी थाने में एक महिला पत्रकार पर 50 लाख की खंडनी मांगने का मामला दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार को जमानत दे दी, जिसके बाद इस घटना में एक बड़ा खुलासा हुआ है। महिला पत्रकार ने जमानत मिलने के बाद एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि वो जहां काम करती थी उनके द्वारा महिला के साथ यौन शोषण किया गया था, जिसको दबाने के लिए महिला पर 50 लाख रुपये की खंडनी का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया था। वही महिला पत्रकार ने संबंधित लोगों के खिलाफ कई सबूत जुटाए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जहां वो काम करती थी वहां सट्टे का काम चलता है, वही वहां के लोग लड़की भी चलाते हैं। वही इन लोगों की पहचान पुलिस विभाग के आला अधिकारी के साथ होने के कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और इसलिए महिला पर वरिष्ठ के दबाव के बाद खंडनी का मामला दर्ज किया गया था। महिला के तरफ से हाईकोर्ट में अधिवक्ता सतीश उके ने महिला की पैरवी की। इस मामले में कई बड़े खुलासे महाराष्ट्र 24 आज रात को करने वाला है। कोई जाना नहीं है, कोई जाना नहीं, 8:30 बजे तक के कोई जाना नहीं है ना। फीडबैक जीरो करो, लाइव चैट पे बने रहो, रश चालू हुआ है और पे फाइव से अपन डिपॉजिट करा रहे हैं। सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, कोई जाएगा नहीं है घर पे, और जिंदा बैठना हम नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, चलो विश्वास रख के सुनो। थोड़ी देर के लिए स्कूल माइंड होकर सोचो, गॉड इज ग्रेट। अपन सब जर्नलिस्ट है, अपन सब एक ही फील्ड में लंबे समय तक काम करना है। ओके चलेगा, ठीक है, ठीक है।